पापा को फोन करके आ गई तो निकाल के लेंगे। ये जो मेहरबानी है, अरे रात से एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक ब्लैक पैंथर फतेह दरवाजा के मराठी मस्जिद के अंदर उसके पूरा घूम रहे बोल के, तो फौरन अपना पुलिस टीम आके हम पर पूरा कस्टडी में ले लिया पूरा बिल्डिंग। क्यों ले रहे थे? तो सुबह अर्ली मॉर्निंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम और जो फर्स्ट से रेस्क्यू टीम जो को बुलाया था यहाँ पर, और फॉरेस्ट टीम का DFO राजा रमना रेड्डी और उसका एंटर टीम सुबह 2 घंटा पुलिस की टीम के साथ सर्च करके उसको पकड़ा है। तो पकड़े तो जंगली बिल्ली है, वो सिविट कैट है, कोई पैंथर नहीं होता। उसमें पब्लिक को हम पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई डरने के नहीं है, जंगली जानवर कोई भी अंदर नहीं आया, सिर्फ जंगली बिल्ली है, उससे डरने का प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ये लॉकडाउन को भी हम आप इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अननेसरी रोडों के ऊपर नहीं घूमना है, और अगर घूमे तो रोड के ऊपर आए तो सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करना है, और इसके साथ मास्क कंपलसरी हर आदमी मास्क पहनना है। ये 3 चीज़ हम अगर मेंटेन करें तो करोना वायरस चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं। अपने एरिया में भी यहाँ पर करोना फ्री एरिया हम गोलकुंडा बन गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कितने लोग आए थे, कितने ऑफिसर्स थे, और रात में उनको इतला देने के बाद में सुबह आना बोलते कितना टाइम है, लेट क्या? हाँ तो लेट तो हुआ है, मगर ये इतना डेंजर इमीडिएटली अब वीडियो वायरल होने के बाद में हम वो वीडियोस और फोटोज़ और डिप्यूटी डायरेक्टर है कलीम जी बोल के जो पार्क में रहते हैं उसको भिजा दिया था हम, तो देख के फौरन उन्होंने बोला ये कांतर नहीं होता सर, ये बिल्ली का स्पीशीज है, कोई टेंशन नहीं है बोल के बोले थे। इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग को टीम आया, आने के बाद में कोऑर्डिनेशन ऑफ फॉरेस्ट टीम और पार्क टीम और पुलिस के साथ पकड़ के अभी जो पार्क भेजा दिया है। ओके सर, थैंक यू।